अब चलो। आज एक दिवसीय अनशन पर रोरी गांव में हम सभी क्षेत्रवासी बैठे हैं और हमारी एक ही मांग है, इस देश के अंदर भी चाइना की तर्ज पर जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। किसी भी को भी दो से अधिक बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। यदि कोई तीसरा बच्चा पैदा करता है उसको 10 साल की सजा का प्रावधान होना चाहिए और उसका वोटिंग राइट्स खत्म करना चाहिए। सरकार के द्वारा जो भी सुविधा दी जाती है वो सभी समाप्त करनी चाहिए, जिस तरह से चाइना में होता, और तभी इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण हो पाएगी। आज हमारे मध्य में चौधरी अंजलि आर्या हैं, वो अपने विचार रखेंगे इस विषय पर। आज इस एक दिवसीय धरने के अनशन के माध्यम से हम स्वामी यति नरसिंहानंद जी को अपना समर्थन देते हैं, जो कि पिछले 1 नवंबर से अनशन पर बैठे हुए हैं, दो बच्चों के कानून को लेकर के। और उनकी यही मांग है कि हमारे देश में भी जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनना चाहिए, जैसे कि चाइना में बना हुआ है। क्योंकि जब ही हमारे देश का विकास हो पाएगा, जब देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा, क्योंकि इसे लागू करे बिना हम देश का भला नहीं कर पाएंगे। और देश में बहुत सारी समस्याएं जिनकी मूल जड़ है ये जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के कारण देश में भुखमरी फैली हुई है, बहुत सारे भिखारी यहाँ पर भीख मांगते हैं, ये सब भी जनसंख्या के कारण ही है। और तो इसके लिए बहुत सारी ये समस्याएं हैं जो इसकी जड़ है जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं बच्चे, उनसे ढंग से खाना पीना नहीं मिलेगा, या पीने के पानी की समस्याएं हैं जिससे कि उन्हें ये कुपोषण फैल रहा है। तो इन सब के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप हमारे पड़ोसी देशों को देख लो, जहां पर भी ये जनसंख्या नियंत्रण कानून बने हुए हैं या जनसंख्या कम है जहां पर क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वहां पर हर तरफ से विकास है, लोग संपन्न है, वहां पर चोरी डकैती की समस्याएं नहीं है, जैसे कि यहां पर हर रोज लूट मार की, डकैती की, अपहरण की सारी समस्याएं फैली हुई हैं। तो ये सब इन समस्याओं की जड़ है, भ्रष्टाचार की जड़ है, क्योंकि अब आप देख लो यहाँ के पढ़े लिखे जो युवा हैं, जब उन्हें यहाँ से इतना पढ़ने लिखने के बाद भी रोजगार नहीं मिलेगा तो वो विदेश में जाके सेटल हो जाएंगे। और यहाँ पर बचेंगे कौन लोग? मुसलमान संप्रदाय के लोग, जो कि कम पढ़े लिखे हैं, तो उनका ही राज्य होना है, क्योंकि ठेले लगाएंगे भी और जो ये सब करेंगे, चोरी डकैती करेंगे, बलात्कार करेंगे। तो इन सब के लिए, इन पर रोक लगाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिंदुओं के तो बच्चे लिमिट में ही है, एक या दो बच्चा, आज तो एक ही है, बहुत के तो दो मिलने के ही नहीं है, कि लड़का हो गया बस एक ही बहुत है। और जो मुसलमान है इनकी तो एक ही ट्रेनिंग है कि भाई बच्चे पैदा करो यहाँ पर, वोट बैंक पर अधिकार करो, और एक दिन हमें ही सब मिलना है, जैसे कि भी कश्मीर में हुआ, वहां पर आप देख लो जितने भी कश्मीरी पंडित थे जो कि वहां से विस्थापित हो गए और पता नहीं कहाँ का शरणार्थियों की जिंदगी जी रहे हैं, और आज तक कोई भी उनको बसा नहीं पाया वहां पर। तो इनकी सारी समस्या यही थी कि मुसलमानों ने वहां पर ऐसी अटैक बोला, पहले तो कहते कि भाई भाई हैं, और जब ज्यादा हो गए तो वहां से भगा दो उन्हें, उनके सब प्रॉपर्टी छीन ली, उनके आलिशान बंगले छीन लिए, उनके बागीचे छीन लिए, और सब पर इनका ही अधिकार हो गया। तो यही हाल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि जब यहाँ पर मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा हो जाएगी तो फिर हिंदुओं को बचाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि अब सिर्फ हिंदू इसी से लड़ता रहा है 1300 सालों से, पहले ही मुसलमानों का राज्य था। तो यहाँ पर जो भी कुप्रथाएं चली, जैसे कि सती प्रथा थी, बाल विवाह थी, जो भी थी, सब इसी वजह से हुए, और आज भी हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये इसका मूल कारण क्या है। तो इसलिए हमें जो ये स्वामी जी मांग कर रहे हैं बहुत ही उचित मांग है, और सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और जल्द से जल्द ये कानून बनाना चाहिए, क्योंकि पहले हमारी जो प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री, जिनको हम आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी, वो भी इसको लेकर के आई थी फैमिली प्लानिंग को, लेकिन तब भी विपक्ष ने इसको सही ढंग से लागू नहीं होने दिया। तो आज हम मोदी जी से मांग करते हैं कि वो जिस तरह से नोटबंदी लेकर के आए, GST लेकर के आए, और भी बहुत सारी धाराएं हटवा रहे हैं जिनका ही कोई औचित्य नहीं है समाज में, तो उसी तरह से वे इस कानून को भी बनाए और जल्द से जल्द स्वामी जी का अनशन समाप्त करवाए, वरना हमें कोई और बड़े आंदोलन करने होंगे स्वामी जी का अनशन तोड़वाने के लिए और इस कानून को पास करवाने के लिए। धन्यवाद। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर